गरीबी का जब भूख से दम निकलने लगे तो यह गरीबी सामंतवाद और व्यापारियों पर हमला करने लगती है। शायद ऐसी स्थिति में नक्सलवाद जन्म लेता है। ताजा मामला टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव से है, जहां थाने के सामने चोर गिरोह ने चौथी बार चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आप सोचते होंगे कि चोरी तो आम बात है, लेकिन यह चोरी खास है क्योंकि यह चोरी भविष्य के बुंदेलखंड पर सवाल खड़ा करती है। दरअसल बड़ा गांव के दीपक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से संचालित जितेंद्र कुमार की किराना दुकान में चोर गिरोह ने लगातार दूसरी बार चोरी की घटना को अंजाम देते हुए 20,000 के सिक्के रुपए सहित किराने के सामान पर हाथ साफ कर दिया। आप जानकर हैरान होंगे, चोर गिरोह ने व्यापारी के नाम चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था, गरीब बुजुर्ग को किराने का सामान उधार दे देना, गरीबों के लिए महंगाई में वृद्धि नहीं करना, नहीं तो हम तुम्हारी दुकान में आग लगा देंगे। इस चिट्ठी के बाद व्यापारियों में दहशत है और वो सुरक्षा की बात कह रहे हैं। वहीं बड़ा गांव की पुलिस इस चार चोरी की घटनाओं के बाद अब जागी है। वो जल्द चोर गिरोह को पकड़ने की बात कह रही है। यहाँ क्या बड़ा गांव में जितनी चोरी होती है खुलती नहीं है और बराबर बढ़ती है। पुलिस से आप जैसे रिपोर्ट पिछली बार भी की थी, कोई सूत्र कोई ऐसे कुछ एविडेंस निकला क्या? नहीं कुछ नहीं, पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं कोई कार्रवाई। कैसी बड़ा गांव नगर में कितनी चोरी हो चुकी है? 50 चोरी हुई आज तक। आज तक कोई चोरी हुई क्या? कोई नहीं, नहीं लगातार तो नहीं हुई है मेरे टाइम में। मैं तो अभी 31 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है और आज जो सूचना आई थी तो तत्काल मैं वहाँ पहुँचा हूँ। बिल्कुल रात्रि में भी हमने सघन गश्त करवाया और पूरा प्रयास है हमारा। FSL अधिकारी, वो फिंगरप्रिंट अधिकारी और डॉग स्क्वाड सब दिखवाया है। फरियादी ने रिपोर्ट की है, करीबन 17-18 हज़ार रुपये की चोरी होना बता रहा है। FIR दर्ज हो गई है और बहुत जल्दी से जल्दी बरामद कर लें। चोरों की छोड़ी गई चिट्ठी प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करती है कि बुंदेलखंड में भुखमरी है। कभी केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सागर की धरती पर यह बयान दिया था कि बुंदेलखंड में जब जब गरीबी भूखी होगी तब तब यहाँ नक्सलवाद जैसी स्थिति पनपेगी। अब्दुल तारिक, सागर एक्सप्रेस न्यूज, टीकमगढ़। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। It's your birthday. Happy birthday.